हेलो हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आए हैं बाबा चिकन के साउथ सिटी वाले आउटलेट पे। तो आज हमारा ना संडे है, तो आज हमारा नॉनवेज खाने का बड़ा मूड था, तो हमने सोचा कि हम आउटलेट पे जाके ही खाते हैं। और बाबा चिकन से बेटर नॉनवेज हमारे आसपास में अवेलेबल नहीं था। आप माहौल देखो, कितना क्लासी, कितना शांत माहौल है यहाँ पे। तो अभी हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, एंड अभी हमारा ऑर्डर आएगा तो हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। और तब तक प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? तो हमारा ऑर्डर आता है और हम तब आपसे बात करते हैं। और मुझे एक और बात आप लोगों से शेयर करनी है कि आप लोगों में से बताओ कि किस किस को पता है कि बाबा चिकन की फ़र्स्ट जो दुकान थी, जो आउटलेट था, वो कहाँ पे खुला था लुधियाना में। तो अगर जिन जिन को तो पता ही है वो लोग नीचे कमेंट कर देना वीडियो देखते देखते। जिनको नहीं पता है वो वीडियो एंड तक देखो, उसमें हम आपको वीडियो के दौरान बताएंगे कि कहाँ पे इनकी शॉप सबसे पहले खुली थी। देख सकते हो हमारा खाना आ गया है। तो हमने मंगाया एक नॉन वेज प्लेटर और इनका फेमस बटर चिकन। तो इनका जो बटर चिकन है, पंजाब में तो थोड़ा लाइट बनता है, थोड़े मसाले कम होते हैं, बट दिल्ली में इनके मसाले थोड़े से तेज़ होते हैं पंजाब के मुकाबले, और टमाटो ग्रेवी में बनता है वो, तो उनका थोड़ा टैंगी सा टेस्ट होता है। तो अभी इसको देख के रुका नहीं जा रहा, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी अपनी रोटी ले लेते हैं हम, और रोटी देखने में भी इनकी कितनी मुलायम आप देख ही सकते हो। रोटी के साथ बटर नान के साथ, क्योंकि मुझे बटर चिकन हमेशा बटर नान के साथ ही बढ़िया लगता है, मस्का मार के। ये बात भी सही है। तो अब ये आप बटर चिकन देख सकते हो कितने सही से पीसीज हैं इनके। बोनलेस है ये, हमने बोनलेस लिया है, तो आप पीसीज के देख ही सकते हो। तो अब इसको भी खाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना अपनी प्लेट में डाल लेती हूँ पहले। मैं तो सोच रहा हूँ पहले स्टार्टर्स खाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टर्स देख रहा हूँ, तो मेरे को ये पीस देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इनका जो बटर चिकन होता ये है रहा पीस, वो कम मसाले वाला होता है। बाहर की जो जगहें हैं लुधियाना से बाहर या पंजाब से बाहर, वहाँ पे थोड़ा ना स्पाइसी वाला खाते हैं, पर इनका जो स्टेपल टेस्ट है वो वैसा ही रहेगा। आप चाहे लुधियाना में रहो, चाहे लुधियाना के बाहर चले जाओ। और इंटरनेशनली भी इनके बहुत सारे आउटलेट तो हैं ही। तो अब इसको फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही है इसको देख के। दोस्तों, जो मैंने अभी ट्राई किया था वो था फ़िश, और इनकी फ़िश बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छा फ्लेवर था उसका, मतलब बहुत सही थी, मेरे को तो मज़ा ही आ गया। तो ये खा ले फटाफट, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत टेस्टी है। और इससे पहले मैं ये सारा ख़त्म कर दूँ, ये टेस्ट करके आपको एक बार रिव्यू अपना भी दे दे। तो मैं भी बटर चिकन ट्राई कर ही लेता हूँ, देखने में तो बहुत सही लग ही रहा है। तो अब अपन ले लेते हैं बटर चिकन पीस, तो आप इनके देख सकते हैं। तो अब हम लेते हैं बटर चिकन। ओह, तो पीस आप देख सकते हो कितना सही पीस है। तो इसको खाते हैं, देखने में बहुत सही लग रहा है। ओह बिग बाइट। मेरे को यहाँ पे कबाब सबसे ऊपर दिख रहा है, तो कबाब ही पहले ट्राई करते हैं। नॉनवेज प्लेटर में सारे ही नॉनवेज हैं, और उन्होंने अपनी पुदीना की चटनी साथ में दी है, तो इसको भी मैं साइड में प्लेट में ले लेती हूँ। एंड ये देखो, देखने से ही फ्रेश लग रहा है। दोस्तों, ये जो मैंने बटर चिकन अभी खाया, इनका चिकन भी बहुत सॉफ्ट था, मुँह में जाती ही घुल गया पूरा, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा। कबाब ट्राई कर, इतना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, फ्रेश भी है, पता बिल्कुल टेंडर, यम्मी यम्मी। तो मैं भी ये खा के देखता हूँ कबाब। तो खाते कबाब। कबाब देखने में ही बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसको खाते हैं, इनकी ये वाइट वाली मेयोनीज लगा के। इनकी ये वाइट वाली मेयोनीज ना मुझे बड़ी पसंद है, बड़ा यम्मी यम्मी टेस्ट होता है इसका भी। तो साइड में ले ले, काम आएगी। मेरे को तो बहुत ही पसंद है, और मैं इसके साथ बहुत खाता हूँ। इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, और ये भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है इसका, स्पेशली जब नॉन वेज के साथ खाओ। ये देखो, तो फिश खा के देखो, फिश को हम लगाएंगे मेयोनीज और पुदीना की चटनी मिक्स करके। बाइट देखो आप, देखने में ही ऐसा लज्जतदार खाने वाला लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा है, तो इसको मैं फटाफट खा ही लेती हूँ। दोस्तों, मैंने तो खा लिया, अब ये अब खाते हैं मेरा फेवरेट चिकन टंगड़ी। तो देखने में ही कितनी क्यूट सी लग रही है बाइट। तो इसको भी खाते हैं, स्मॉल बाइट। इनका वेज प्लेटर सारा कुछ ही बहुत अच्छा है यार, पाँच छः चीज़ें इन्होंने डाल के देख रही है, पर यार इनका बटर चिकन का मुकाबला है नहीं। और जो ये मस्का मार के अलग से बटर नान साथ में हमने ऑर्डर किया, उससे तो 10 गुना टेस्ट इसका बढ़ रहा है। ओ, बटर चिकन का मुकाबला नहीं है इसका। इससे एक चीज़ याद आई कि इनका जो बटर चिकन है, ये पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट बटर चिकन है, ये क्लेम करते हैं, और काफ़ी सारी जगह पे बोला भी गया है ये।
जब आप इनका बॉक्स ऑर्डर करते हो होम डिलीवरी के लिए, उसके ऊपर भी लिखा होता है इंडियाज नंबर वन, तो खा के पता लग रहा है इंडियाज नंबर वन है। आप लोगों ने 90% जनता ने खाया होगा, जिन्होंने नहीं भी खाया वो प्लीज़ ट्राई करो, अपने आप इसी पे चिपक जाओगे और किसी चीज़ पे ऑर्डर नहीं करोगे आप। तो इसमें प्लेटर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये ट्राई करके देखते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है फिर मैं भी यही ये मैं लगाऊंगा, मेरी फेवरेट मेयोनीज। क्या है ये, मुझे पता लग गया है क्या, मेरे को नहीं पता चला गाइस, लेकिन मैं तो ट्राई करके ही बता पाऊंगा। तो खा और बता, तो इसको खाते हैं। चिकन है गाइस, है ना, तंदूरी चिकन है, बिल्कुल स्मोकी टेस्ट आ रहा है इसमें। क्वालिटी तो गाइस इनके खाने की बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आता है इसका, पता चलता है कि कोई अच्छी फ्रेश चीज़ खा रहे हैं। तो इसको भी ट्राई करते हैं, ये भी मेरे ख्याल से फ़िश है बट कोई और फ्लेवर में, तो इसको भी खाते हैं। मैं भी फिश ही खा रही हूँ, ये एक अच्छा स्नैक है यार, वेज प्लेटर भी। बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेंडर है, बहुत जूसी भी थी काफ़ी, बहुत जूसी, सारे टेस्ट बर्ड्स खुल गए। तो अब हम इन सबको टेस्ट तो हमने कर लिया, रिव्यू कर दिया है, तो अब इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रहिए जिंदाबाद, बाय।